नमस्कार प्यारे छात्रों, आप राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं एडग्रेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की गणित पुस्तक का अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकरण। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा? तो एक पद और द्विपदी का गुणनफल होता है द्विपद। बी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न दूसरा है, दो गुणित दो गुणित दो, तीन गुणित ए गुणित ए गुणित ए गुणित ए, बी गुणित बी का गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ आप देखें, पहले हम अंकों अंकों का गुणा करेंगे। तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ और आठ त्री चौबीस। तो चौबीस वाला ऑप्शन हमारा डी विकल्प, इसका हम सही कर लेंगे। आगे है प्रश्न क्रमांक तीसरा, एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y वर्ग है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम इसका और इसका आपस में जब गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, एक्स का एक्स ही रहेगा तो 24x, वाई का जब वर्ग से गुणा होगा तो वाई के ऊपर 3 की घात। सी ऑप्शन को हम सही कर लेंगे। प्रश्न चौथा है, एक कोष्ठक के अंदर है 7x-4 मीटर लंबे तार में से 7x-4 मीटर तार सॉरी 3x-4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितने मीटर तार शेष बचेगा? तो इसका आंसर होगा 4x। यहाँ माइनस के चार और माइनस के चार कैंसिल हो जाएंगे, और 7 में से 3 को हटाएंगे तो बचेगा 4। प्रश्न क्रमांक पाँचवा है, तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी x धन 8 मीटर है, तो आने और जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी होगी? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन सही है, 2x-16। 2 का गुणा हम इसमें कर लेंगे। आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न छठवां है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ दो प्रश्न दिए हैं, दोनों का हमें योगफल निकालना है। तो आप देखें, पहला है पी का वर्ग -7pq-q² धन। अब हम चूंकि प्लस कर रहे हैं तो यहाँ धन लिखेंगे। पुस्तक के अंदर -3p² -2pq-7q² अब हम एक प्लस को का गुणा इसमें करेंगे तो संख्या वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। तो यहाँ होगा पी वर्ग -7pq-q² -3pq² -2pq-7q² बराबर। अब हम इसको जैसे जैसे ये घटते जाएंगे तो इसका आंसर यहाँ आ जाएगा -2p² बड़ी घात को हम सबसे पहले आगे लिखेंगे। आप यहाँ देख रहे थे -3p² था, यहाँ p का वर्ग था, 3 में से हमने 1 यहाँ कम कर लिया तो -2p² बचेगा। इसी प्रकार से PQ, तो यहाँ आप देखें -7pq थे और यहाँ -2pq थे, जी जुड़ जाएंगे तो यहाँ 9pq- हो जाएंगे। यहाँ -3p² था और यहाँ 7+7q² था, तो 7। अब यहाँ +7q² में से हमने -q² घटा देंगे तो यहाँ बची गई +6q². इस तरह से यह हमारा आंसर हो जाएगा। आगे दूसरा प्रश्न है, AB-BC-CA प्लस करना है -BC-CA-AB। इनको हम जब यहाँ लिखेंगे तो ये सब संख्याएं जो है एक दूसरे से कट जाएंगी तो अंत में आ जाएगा आपका 0। सातवां क्वेश्चन है, 9y² - 3x² - 6y - 6x में से 6-7y² - 5xy - 2x² - 3y को घटाइए। यहाँ घटाना है तो पहले हम ये संख्या वैसी की वैसी लिखेंगे, यहाँ माइनस का निशान, और जो संख्या हमें घटानी है पीछे वाली इसको भी हम ऐसा लिखेंगे। अब इस माइनस का गुणा इन सब संख्याओं में करेंगे। जब हम माइनस का प्लस के 6 में गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस और ये वाला माइनस मिलकर 7 प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस का निशान, 7y² ये प्लस का हो गया। अब इस माइनस का गुणा इस प्लस में होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इस माइनस का इस प्लस में होगा यहाँ माइनस आ जाएगा, और इस माइनस का जब हम ऋण में करेंगे -3y में तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा 3y। अब हम काटा पीटी कर सकते हैं। तो यहाँ देखें आप, सबसे पहले बड़ी घात है 2 की घात, 9y² यहाँ है और यहाँ 7y² है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 9 और 7 16 हो जाएगा। अब yx यहाँ देखें, और यहाँ आप देखें yx यहाँ नहीं है, छात्रों यहाँ चूंकि हमें बड़ी घात को पहले लिखना है तो yx को हम यहाँ छोड़ेंगे। पहले हम लिखेंगे -3x² यहाँ है
और यहाँ देख रहे हैं आप माइनस दो एक्स का वर्ग है, तो माइनस के दो एक्स और माइनस के तीन एक्स वर्ग इसको हम जोड़ेंगे तो माइनस के पाँच एक्स वर्ग हो जाएगा। अब हम बाय वाली संख्या देखेंगे तो माइनस के छः वाई और यहाँ आप देखेंगे प्लस के तीन वाई, छः वाई में से प्लस के तीन वाई कम करेंगे तो माइनस के तीन वाई बचेंगी। अब एक्स वाली संख्या हम देखेंगे तो यहाँ चार एक्स है और यहाँ पीछे कोई भी संख्या नहीं है एक्स वाली, तो यहाँ लिखेंगे चार एक्स। अब एक्स वाली एक्स वाई वाली संख्या देखें तो एक्स वाली एक्स वाई वाली संख्या यहाँ ये माइनस की पाँच एक्स वाई और यहाँ है बाय एक्स, तो ये कम हो जाएंगे पाँच में से, तो यहाँ बचेगा एक एक्स माइनस चार एक्स वाई और यहाँ माइनस के छः हैं और इस वाली संख्या में नहीं है, तो ये माइनस के छः वैसे की वैसे आ जाएंगे, यह हमारा आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखें आप, एक आयत की लंबाई 7x तथा चौड़ाई है 2x धन 1, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है आयत की लंबाई 7x, चौड़ाई है 2x धन 1। फॉर्मूला लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और ये है चौड़ाई, गुणा करेंगे 7 का 2 में गुणा करेंगे 7 गुणा 14, एक्स का एक्स में गुणा होगा एक्स वर्ग, 7x का 1 में गुणा करेंगे तो 7x, यह हमारा आंसर आ जाएगा। नौवा प्रश्न है, 4y कोष्ठक के अंदर 5y माइनस 6 धन 4 को सरल कीजिए तथा y बराबर 4 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। पहले हम इसको हल करेंगे, 4y का गुणा 5y में करेंगे जब हम, तो 4 पंचे 20 और y का हो जाएगा वर्ग, y से y का गुणा करेंगे तो वर्ग हो जाएगा। 4 का गुणा माइनस 6 में करेंगे तो 4 छींक 24 y हो जाएगा और ये पीछे हैं धन के 4, तो ये भी वैसे ही लिखे जाएंगे। अब y बराबर क्या रखना है हमें, 4, यानी y के स्थान पर लिखेंगे हम 4, 20 गुणे वाई के स्थान पे हमने 4 लिखा तो 4 का वर्ग हो गया 16, डायरेक्ट हमने यहाँ 16 लिख दिया है, वाई का चूंकि वर्ग था तो 4 का वर्ग 16, माइनस 24 ये 24 और वाई के स्थान पे 4 और प्लस के 4, 24 का गुणा हम 4 में करेंगे 24 चौके 96 और 16 का गुणा जब हम 20 में करेंगे तो 16 दूनी 32, 320 माइनस 96 धन 4। अब इनको हम घटा लेंगे, पहले हम 320 में ये 4 जोड़ लेंगे तो 324 और 324 में से 96 घटाएंगे तो 228, यह हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। आगे दसवां प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई दी है x धन 5 और चौड़ाई है x धन 2। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी x धन 5 गुणित x धन 2, गुणा करेंगे तो x का x में गुणा करेंगे x वर्ग, x का 2 में गुणा होगा 2x धन 5x धन 10। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे तो x वर्ग 2 और 5 7 और ये 10 वैसे ही वैसे आंसर आएगा x वर्ग धन 7x धन 10। हाँ, यही 11वां प्रश्न छात्रों, निम्नलिखित सारणी में आयताकार बक्सों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, प्रत्येक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है आयताकार बक्सों का आयतन निकालने का, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो आयतन आ जाता है। तो यहाँ देखें आप 4x धन 3y धन 2z, इन सबका आपस में गुणा किया 4 3 12 12 2 24 और साथ में एक्स वाई जेड, ऐसे ही आगे हमें करना है 2a धन 5b और 7c, 2 5 10 10 7 70 और साथ में abc, तो यहाँ हम लिखेंगे 70 abc, p का वर्ग q का वर्ग, फिर यहाँ q r का वर्ग और rp यहाँ है, तो अब हम p का जब P से गुणा करेंगे तो P के ऊपर 3 की घात लग जाएगी, Q का वर्ग से हम Q में गुणा करेंगे तो Q के ऊपर भी 3 की घात लग जाएगी, और R का वर्ग से हम इस R से गुणा करेंगे तो R के ऊपर भी 3 की घात लग जाएगी, तो P का घन Q का घन धन R का घन। चौथा है माइनस 3L का वर्ग M माइनस 6M का वर्ग N और लास्ट में माइनस N वर्ग L, इनका हम आपस में गुणा करेंगे, पहले हम अंगों का गुणा करेंगे तो माइनस के 3 और माइनस के 6 का गुणा होगा टीचिंग 18, सबसे पहले यहाँ हो जाएगा 18 और ये माइनस यहाँ भी है तो दो जगह जब हम माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन जब इसमें गुणा हम करेंगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब एल का वर्ग यहाँ है और एल यहाँ है तो एल के ऊपर 3 की घात हो जाएगी, एम और एम का वर्ग यहाँ है तो एम के ऊपर भी 3 की घात यहाँ हो जाएगी, एन और एन का वर्ग यहाँ है तो एन के ऊपर यहाँ भी 3 की घात हो जाएगी। पांचवा है x माइनस वाई जेड और यहाँ एक्स वाई जेड, एक्स का जब हम यहाँ x में करेंगे तो x का वर्ग, y का यहाँ y से करेंगे y का वर्ग, z का यहाँ z से करेंगे z का वर्ग, यहाँ माइनस की संख्या है बाकी जगह प्लस की है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, इस तरह से आंसर आ जाएगा x वर्ग y वर्ग z वर्ग। आगे 12वां प्रश्न देखें, किसी वर्ग की परिमाप
आठ ए का वर्ग बी का वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग की परिमाप दी है, दिया है वर्ग की परिमाप आठ ए का वर्ग बी का वर्ग। भुजा बराबर होती है परिमाप बटे चार, तो आठ ए का वर्ग बी का वर्ग बटे चार। चार से हम इसको काटेंगे तो दो बार कटेगा, तो दो ए वर्ग बी वर्ग। ये आ गई हमारी भुजा। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। अब इसका हम गुणा करेंगे तो दो का दो में गुणा करेंगे तो चार आ जाएगा। एक ऊपर दो की घात, एक ऊपर दो की घात, तो एक ऊपर चार की घात। ऐसे हम बी के साथ करेंगे तो आंसर आएगा चार ए का ए के ऊपर चार की घात और बी के ऊपर चार की घात। ये हमारा आंसर होगा। 13वां प्रश्न है छात्रों, नीचे दी गई आकृति ए और आकृति बी में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, कितना अधिक है। यहाँ एक आकृति है ए और एक आकृति है बी। इस आकृति की चौड़ा लंबाई दी है 2x, चौड़ाई है 4x, यहाँ है बी वाले की 3x और यहाँ चौड़ाई भी 3x। तो हम पहले दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति ए का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई 4x गुणित 2x, 4 × 2 = 8 x का वर्ग, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। आकृति बी का क्षेत्रफल 3x गुणित 3x, 3 × 3 = 9 x का वर्ग, तो ये आ गया 9 x वर्ग। अब हमने देखा आकृति ए का क्षेत्रफल है 8x वर्ग और आकृति बी का क्षेत्रफल है 9x वर्ग। तो आकृति बी का जो क्षेत्रफल है वो 1x वर्ग अधिक है। तो हम यहाँ लिखेंगे आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है और x वर्ग अधिक है। 14वां प्रश्न है साथियों, सरल कीजिए एक्स वाई माइनस वाई जेड, दूसरे कोष्टक में एक्स वाई धन वाई जेड, फिर धन वाई जेड धन जेड एक्स, अगले पुस्तक में वाई जेड माइनस जेड एक्स, फिर धन जेड एक्स धन एक्स वाई, जेड एक्स धन एक्स वाई और फिर अगले पुस्तक में जेड एक्स माइनस एक्स वाई। पहले हमने इस कोष्टक को मतलब जो संख्या है सवाल था वैसे ही सवाल को पहले यहाँ उतारा है। आप यहाँ देखेंगे एक्स वाई को हमने माना है ए और वाई जेड को माना है बी। एक सर्वसमिका होती है ए माइनस बी पहले कोष्टक में और दूसरे में a धन b बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो इस सर्वसमिका के अनुसार हम इन दो कोष्टकों में जो देख रहे हैं आप ब्रैकेट्स, इनमें ये सर्वसमिका लगाएंगे तो इस सर्वसमिका के अनुसार यह संख्याएं इस प्रकार से बन जाएंगी x वर्ग y वर्ग माइनस y वर्ग z वर्ग धन y वर्ग z वर्ग माइनस z वर्ग x वर्ग धन z वर्ग x वर्ग माइनस x वर्ग y वर्ग, और यह फिर आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा शून्य। आगे 15वां प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियां इकाई वर्गों से एक पैटर्न बनाती हैं, इनका अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ आकृति फर्स्ट है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये है छठवीं आकृति। पहला प्रश्न है इस पैटर्न को जारी रखते हुए आकृति 6 बनाइए। तो हमें यहाँ 5 आकृतियाँ थी, इसको आगे करते हुए हमने एक छठवीं आकृति यहाँ बना दी है। अब दूसरा प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि आकृतियाँ संख्या एवं उसकी उसमें उपयोग किए गए इकाई वर्गों की संख्या किस प्रकार संबंधित है। इसका उत्तर लिखा हमने, प्रत्येक आकृति में इकाई में वर्गों की संख्या आकृति संख्या के दोगुने से एक कम हो रही है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक आकृति, फिर एक का हुआ दोगुना। तीसरा प्रश्न है, आकृति संख्या के लिए चर n तथा इकाई वर्गों की संख्या के लिए t का प्रयोग करते हुए उपरोक्त प्रश्न 2 में निहित संबंध के लिए एक समीकरण लिखिए। यहाँ देखिए हमने लिखा t बराबर 2n - 1। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ के सवालों को हल किया। उम्मीद है आपको सवालों का हल अच्छा लगा हो। इसी तरह से आगे के पार्ट के हल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।